आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीडीएस जनरल विपिन रावत के मौत की हुई पुष्टि, प्रधानमंत्री सहित नेता हुए शोकाकुल। स्वर्गीय विपिन रावत गत वर्ष 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक समारोह के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किए थे शिरकत। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत को संपूर्ण मंदिर का कराया था दर्शन। नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक समापन समारोह का हुआ समापन। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर का जताया आभार। कहा, गोरखपुर महोत्सव में भी लिया जाएगा सहयोग। जिला प्रशासन जनपद में कोरोना से मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 की दे रहे हैं आर्थिक सहायता। एडीएम फाइनेंस ने कहा, फ्रंटलाइन वर्कर के परिजन भी इसका ले सकते हैं लाभ। तहसील पहुंचकर जल्द करें आवेदन। महापौर व नगर आयुक्त सहित महानगर के पार्षदों ने नगर निगम परिसर से इलेक्ट्रिक बसों में बैठकर लिया ट्रायल रन। कहा, जल्द ही कम किराए में नागरिक इलेक्ट्रिक बसों का ले सकेंगे लाभ। यूनिसेफ यूपी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में अति संवेदनशील ग्रामों में स्प्रे मशीन का किया गया वितरण। एडीएम फाइनेंस ने कहा, स्प्रे मशीन के माध्यम से गांव में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में होगी आसानी। सिख धर्म के 9वें सतगुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा में लगाया गया कीर्तन दरबार, लगाया गया हज्जियों का जांच शिविर, कीर्तन के माध्यम से लोगों को गुरु तेग बहादुर की सुनाई गई कथा। आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर स्कूल सेफ्टी प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। 50 स्कूलों को आपदा से बचाव के प्रति किया गया जागरूक। जिला अस्पताल सहित जनपद के 213 केंद्रों पर बुधवार को कुल 21,256 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,992 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 16,264 लोग रहे शामिल। और बुधवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। फाइनल मैच में MGPG कॉलेज जंगल दूषण को हरा कर महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की टीम बनी विजेता।